हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास से आगे स्टार्ट करेंगे। आज टैक्सोनॉमिक हायरार्की से स्टार्ट करते हैं। हायरार्की जैसा नाम ही बता रहा, आप सभी जानते हैं, जैसे क्लास वन ऑफिसर हैं, सारे आईएएस बैठे हुए हैं, उनके साथ क्लास टू नहीं बैठे थे, क्लास टू हैं तो उनके साथ क्लास थ्री नहीं बैठते। इस तरीके से जो हायरार्की बनी हुई है वो यहाँ बायोलॉजिकल कैटेगरी में भी, क्लासिफिकेशन में भी हायरार्की दिखती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब है क्लासिफिकेशन, एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन के दौरान एक कैटेगरी को सिलसिलेवार क्रम में व्यवस्थित करना, यानी अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के दौरान टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक क्रम में व्यवस्थित करना ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की के में जब हम व्यवस्थित करते हैं तो हमको एक पर्टिकुलर रैंक पर रहने वाले सारे ही कैटेगरी को हम टैक्सोन कहते हैं। ईच टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी रिप्रेजेंट अ रैंक कॉल्ड टैक्सोन। ये 11th में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th के का एग्जाम देना, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के को तो छोड़ दें, 11th में 1 mark में ये बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज अ टैक्सोन या डिफाइन टैक्सोन। तो टैक्सोन मीन्स टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑर्डर को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा की बात करें या ऑर्डर कार्निवोरा की बात करें, उस समय हम क्लास मैमेलिया को नहीं करेंगे। ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा एक टैक्सोन को बिलोंग कर रहे हैं, उस टैक्सोन पे क्लास नहीं आएगा। लेकिन जब हम क्लास की बात करें, क्लास मैमेलिया, तो क्लास एम्फीबिया, क्लास एप्स, ये एक टैक्सोन को बिलोंग कर रहे हैं, उस समय हम न तो फाइलम ला सकते हैं न तो फिर ऑर्डर ला सकते हैं। जब हम फाइलम की बात कर रहे हैं तो फाइलम, सारे फाइलम एक टैक्सोन को बिलोंग करेंगे। तो मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी के सारे जो हायरार्की में रखे हुए हैं, एक कैटेगरी को बिलोंग करने वाले ये सारे टैक्सोन है। तो टैक्सोनॉमिक, टैक्सोन मींस टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। सबसे पहले जो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, इसको सबसे पहले यूज किया था हमारे लीनियर साहब ने। अब चूंकि लीनियर साहब ने यूज किया था तो इसलिए कई बार इसको लीनियर हायरार्की भी कह देते हैं। लेकिन आज की जो हम यूज करते हैं, इससे लीनियर हायरार्की काफी अलग थी। किस मायने में अलग थी, क्यों अलग थी? दरअसल लीनियर हायरार्की या लीनियर साहब ने जो यूज किया था हायरार्की, उसमें केवल 5 ही कैटेगरी उन्होंने लिया था। उस समय उनके उनकी जो नॉलेज थी, उन्होंने जो किया था 5 ही कैटेगरी यूज किया था। वो कैटेगरी थे क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, और इसके अलावा एक 5वीं और वो थी वैरायटी। क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। आज हम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी यूज करते हैं, 7 बेसिक कैटेगरी यूज करते हैं। इन 7 बेसिक कैटेगरीज में वैरायटी को तो हटा दिया है, वैरायटी नहीं रह गई है। जो सिलसिलेवार क्रम में रखते हैं वो इस तरीके से रखते हैं, उन 7ों को आप मेरे साथ बोलेंगे ताकि नाम याद हो जाए। सबसे पहले किंगडम, जो कि क्लासिफिकेशन में सबसे ऊपर है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे ऊपर है किंगडम, जो कि अगर हम अगले चैप्टर में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में बांटा गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल समझ लें टैक्सोनॉमिक हायरार्की में बिल्कुल टॉप पे है, टॉप पोजिशन पे है कौन? किंगडम। किंगडम के बाद अगला है फाइलम, फाइलम और डिवीजन। फाइलम एनिमल्स में कहते हैं और प्लांट्स में इसको डिवीजन। फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। ये 7 है, मेरे साथ फिर से बोलेंगे, फाइलम, माफ कीजिएगा, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये देखें 7 हुआ। याद रखने का तरीका, आप अपने शॉर्ट नोट्स, शॉर्टकट बनाते ही हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, किंग, पी सी ओ, किंग्स, किंगडम से किंग ले लिया, पी सी ओ, पी सी ओ याद हो जाता है, और फैंग्स, एफ ए, फैंग्स, जी, यहां से एस, किंग, पी सी ओ, फैंग्स,
ऐसे करके आप याद कर सकते हैं जो नए बच्चे हैं। बाकी जिनको याद है ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि याद करने में समस्या हो, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर कुछ लोगों को याद करना पड़ता है। तो किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये सात बेसिक ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम यूज करते हैं। इन कैटेगरीज के अलावा कभी कभी कुछ टैक्सोनॉमिस्ट कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी यूज करते हैं। कभी कभी नीट में वो क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो क्वेश्चन देखना होगा। जैसे एक वर्ड है कोहार्ट, COHORT, कोहार्ट। कोहार्ट जब यूज किया जाता है तो इट इज बिटवीन, और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो कोहार्ट है ये बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर, क्लास और ऑर्डर के बीच में कोहार्ट एक टर्म यूज किया जाता है, एक कैटेगरी यूज किया जाती है, एक इंटरमीडिएट है। जरूरी नहीं यूज किया जाए, ये ऑब्लिगेट कैटेगरी के अलावा है, कुछ टैक्सोनॉमिस्ट कभी कभी ये यूज कर देते हैं। तो कोहार्ट इज यूज बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर, एक कैटेगरी है जो क्लास और ऑर्डर के बीच में। इसके अलावा ट्राइब यूज किया जाता है, ये भी नीट में आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों को आप एस्ट्रिक मार्क लगा लेंगे, कोहार्ट और ट्राइब को। ट्राइब लाइज बिटवीन सब फैमिली, फैमिली के अंदर सब फैमिली है, सब फैमिली एंड जीनस के बीच में ट्राइब होता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट, कोहार्ट एंड ट्राइब के। इसके बाद एक एक करके हमको सबको डिफाइन करना होगा, क्योंकि 11th के बच्चे 11th का एग्जाम भी तो देंगे, नीट ही तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, नीट तो क्वालिफाई तब करेंगे जब 11th का एग्जाम पास करेंगे। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको 11th का कोर्स भी डिटेल में पढ़ते चलना है, रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल कम्पिटिटिव नहीं। तो स्पीसीज, अब एक एक करके इन सब की बात करेंगे हम, कैसे कैसे होता है स्पीसीज। अब ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म स्पीसीज सबसे पहले दिया था जॉन रे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्म स्पीसीज किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था, ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे पहले स्पीसीज को करेक्टली डिस्क्राइब किया गया, ध्यान रखें स्पीसीज को डिस्क्राइब करने के बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन करेक्ट डेफिनेशन जिन मतलब जिसको एक आदमी को अगर रिस्पॉन्सिबल समझा जाए, जिसने स्पीसीज को सॉलिडली डिफाइन कर पाया जो, वो थे अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर जब हमारी बायोलॉजी की 11th की बुक स्टार्ट होती है तो पहला पेज जो हमारा लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है उसके पहले जो हमको जिस साइंटिस्ट की फोटो मिलती है वो है अर्नस्ट मेयर, ठीक है। तो अर्नस्ट मेयर उनका इतना बड़ा योगदान रहा है स्पीसीज का क्लियर कट डेफिनेशन जो है, स्पीसीज इज ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, जो जब तक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ना हो तब तक स्पीसीज अलग नहीं होती। ये सारी जो बातें हैं स्पीसीज में डिफाइन करने वाली, वो सब जोड़ने का श्रेय पूरा का पूरा अर्नस्ट मेयर को जाता है। और नीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्नस्ट मेयर को के योगदान को देखते हुए उनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। नीट के बच्चे ये पॉइंट नोट कर लेंगे, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी अर्नस्ट मेयर को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नीट के लिए, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज वॉज गिवन बाई फर्स्ट अर्नस्ट मेयर, ठीक है, और इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। अब अगर हम इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, मैंने आपको बताया कि किंगडम टॉप पे है तो बॉटम पे कौन है? बॉटम पे ऑफ कोर्स स्पीसीज है। तो स्पीसीज को अगर हम डिफाइन करें तो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ध्यान रखेंगे बेसिक यूनिट स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स स्पीसीज आप जो भी जानते हो, जैसे हमने लास्ट क्लास में मैंगीफेरा इंडिका का नाम बताया था, तो इंडिका उसका स्पेसिफिक एपिथेट है। वैसे ही यहां पर हमने दो एग्जाम्पल उठाया, सोलेनम ट्यूबरोसम, अगर आप पहचाने तो ये पोटैटो का नाम है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम स्पेसिफिक एपिथेट है, फैमिली सोलनेसी के मेंबर है। सोलेनम मेलंजिना अगर हम बात करें ब्रिंजल की, एक प्लांट, तो सोलेनम मेलंजिना में मेलंजिना स्पेसिफिक एपिथेट है, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम स्पेसिफिक एपिथेट है। वैसे पैंथेरा लियो लायन का नाम है और इसमें लियो इज स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब आप समझ रहे हैं जो हमने लोगों ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दो वर्ड का बना होगा, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज, तो जो दूसरा वर्ड है वो स्पीसीज है, तो पैंथरा लियो स्पेसिफिक एपिथेट है। ऐसी पैंथरा टाइग्रिस है, हमने यहां नहीं लिखा लेकिन पैंथरा टाइग्रिस है,
ये टाइगर का नाम है, तो टाइग्रिस क्या हुआ उसका स्पेसिफिक एपिथेट। पैंथरा पार्डिस है, पार्डिस क्या हुआ लेपर्ड का, पैंथरा पार्डिस लेपर्ड का नाम है तेंदुआ, तो पार्डिस क्या हुआ स्पेसिफिक एपिथेट लेपर्ड का हुआ। तो ये था स्पीसीज। इसके बाद हम जीनस देखेंगे, उससे पहले मुझे रब करना होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप लिख लेंगे। सो ये जीनस है, जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को कहते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जिनमें बाकी दूसरे जीनस की स्पीसीज से ज्यादा कॉमन कैरेक्टर हो, किस जीनस की स्पीसीज में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे बनिस्बत अनदर जेनरा के स्पीसीज से। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, ठीक है। एग्जाम्पल इसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते थे, लेकिन जो एग्जाम्पल कॉमन जीनस उठाया है, सोलेनम ट्यूबरोसम, आप सभी जानते हैं पोटैटो का है, सोलेनम मेलंजिना एक प्लांट का है। तो इसमें आप देखें सोलेनम, ये जो जीनस है ये दोनों ही सोलेनम, यहाँ पे मैंने चूंकि कॉमन है तो मैंने कॉमा लगा हुआ है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का नाम है, सोलेनम मेलंजिना एक प्लांट का नाम है, दोनों की जीनस कॉमन है। ऐसे ही एनिमल के केस में भी हमने एक एग्जांपल लिया पैंथरा का, पैंथरा जीनस के अंदर पैंथरा लियो लायन भी है, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर है, पैंथरा पार्डिस लेपर्ड यानी तेंदुआ भी है। तो ये सारे जीनस कॉमन हैं और ये स्पीसीज अलग अलग हैं, स्पेसिफिक एपिथेट उसी हिसाब से अलग हो गए चूंकि स्पीसीज अलग हैं, तो ये जीनस है। इसके बाद टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम देखते हैं फैमिली को, फैमिली अगेन बिल्कुल वही बार बार एक ही बात रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, रिलेटेड जो जीनस हैं उनके ग्रुप को वो मिलके फैमिली बनाते हैं। प्लांट के केस में फैमिली का सफिक्स होता है, सफिक्स कहने का मतलब जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये फैमिली का नाम है, जैसे हमारे नाम के आगे मिश्रा लगा है, आपके नाम के आगे खान लग सकता है, सिद्दीकी लग सकता है, पांडे, जैसे सफिक्स आपका बताता है। तो इन प्लांट्स इट सफिक्सेस ए सी ई ए ई, ए सी ई ए ई, ये प्लांट्स में फैमिली का सफिक्स है। जैसे प्लांट में फैमिली सोलनेसी, आपके कोर्स में ध्यान रखें फैमिली सोलनेसी, फैमिली सोलनेसी में कितने ही आपको जीनस मिल जाएंगे, जैसे सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलंजिना दोनों ही सोलेनम आ जाते हैं जीनस। इसके अलावा अगर देखिए कैप्सिकम आ जाता है, पेट्यूनिया आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप निकोटियाना टबेकम, निकोटियाना आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैमिली सोलनेसी के अंदर अलग अलग जीनस हैं। अगर एनिमल की बात करें तो फैमिली फेलिडी, एफ ई एल आई डी ई, फैमिली फेलिडी में पैंथरा भी आ जाता है और फेलिस भी आ जाता है, फेलिस मीन्स कैट्स। तो ये जो फेलिस है पैंथरा लायन टाइगर और तेंदुए की लेपर्ड की है, और फेलिस कैट वाली फैमिली है, ठीक है। तो फैमिली फेलिडी में ये दोनों आ जाते हैं। इसके बाद फैमिली के बाद अगला नंबर आता है ऑर्डर, ऑर्डर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, उसमें क्या बात करनी है, बार बार एक ही चीज। इसका सफिक्स है प्लांट्स के केस में, ध्यान रखें सफिक्स प्लांट्स में, इल्स, ए एल ई एस। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये याद करने के लिए बिल्कुल नहीं है, नीट के लिए बिल्कुल याद करने की बात नहीं की, लेकिन मैं फैमिली सोलनेसी और लगातार सोलेनम का एग्जांपल दिए चला जा रहा था तो इसलिए बताया। फैमिली सोलनेसी आती है ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में, क्या नाम बताया, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर पॉलीमोलियल्स में ऐसा मत समझें कि केवल एक ही फैमिली आती है, बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, फैमिली सोलनेसी और मोलुलेसी वगैरह आती हैं। तो ये दोनों नाम लिखे हैं, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है ये ऑर्डर, और ये फैमिली सोलनेसी तो याद रखना है, कॉनवोल्यूलेसी याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एनिमल के केस में देखें तो ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर फैमिली फेलिडी भी आती है और फैमिली कैनिडी भी आती है। फैमिली फेलिडी जो है ये कैट्स की फैमिली, और फैमिली कैनिडी वो डॉग्स की फैमिली है, ठीक है। तो ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर फैमिली फेलिडी और फैमिली कैनिडी आती है। इसके बाद और ऊपर हम जब टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जाएंगे तो हमें क्लास मिलेगा, क्लास का हमने एनिमल में अब एक एग्जांपल लिया, जैसे क्लास में मिलिया, आप जानते हैं क्लास में मिलिया में मैंने यहाँ दो ऑर्डर आपको दिखाया, ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमेटा। लेकिन ये गलती से भी आप लोग मत सोचे कि ये जो दो एग्जांपल है या तीन एग्जांपल या एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कित केवल इतने ही हैं, बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि क्लास मैमेलिया के अंदर टू बी करेक्ट 27 ऑर्डर्स हैं, इसमें से 16 लिविंग हैं और 9 ऑर्डर तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं,
आप ऐसे समझें, लेकिन मैं यहाँ बैठ के आपको सारा क्लास में लिया तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैं सारे ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट एक दो हैं उन्हीं का नाम दे रहा हूँ। तो क्लास में मिलिया के अंदर ऑर्डर कार्निवोरा का आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर डॉग्स आ जाता है, कैट्स आ जाता है, लायंस आ जाते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर मंकीज आ सकते हैं, एप्स आ जाते हैं और ह्यूमन बींग आ जाता है, ह्यूमन एप्स और मंकी ये तीनों ऑर्डर प्राइमेटा में आ जाते हैं। तो ये क्लास है, क्लास मैमेलिया। इसके बाद अगला आता है फाइलम, जिसको प्लांट के केस में डिवीजन कहते हैं, फाइलम या डिवीजन। ध्यान रखें ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्म फाइलम किसने दिया था? तो टर्म फाइलम वाज गिवन बाय क्यूवियर, ये देखें ये साइंटिस्ट का नाम लिखा, टर्म फाइलम वाज गिवन बाय क्यूवियर। ये क्यूवियर साहब वही हैं फादर ऑफ पैलियोन्टोलॉजी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैलियोन्टोलॉजी आप कह सकते हो, पैलियोन्टोलॉजी नहीं कहना चाहिए, मॉडर्न पैलियोन्टोलॉजी। तो टर्म फाइलम उन्हें क्यूवियर ने दिया था, जॉर्जस क्यूवियर। इसका फाइलम कॉर्डेटा एग्जांपल ले सकते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आप सभी जानते हैं कि मैमल्स आते हैं, एव्स आते हैं यानी बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबिया आते हैं और फिशेज भी कहते हैं। लेकिन अगर हम सही से डिस्क्राइब करें, सही से क्लासिफाई करें, तो फाइलम कॉर्डेटा हम यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, बट फिर भी बता दें फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सुपर क्लास पीसेस और सुपर क्लास टेट्रापोडा आते हैं। सुपर क्लास पीसेस के अंदर फिर कॉन्ट्रैक्टिस और ऑस्टिक्थिस आएंगे, वो क्लासेस होंगे, और जबकि सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर फिर क्लासेस आएंगे एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स और मैमेलिया। तो ये सारे क्लासेस हैं या एंड सुपर क्लास पीसेज मैंने लिख दिया फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। इसके बाद बिल्कुल टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बिल्कुल टॉप पर पोजीशन पे मौजूद है किंगडम, जो कि लार्जेस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, लार्जेस्ट ये चीज याद रखेंगे, लार्जेस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की में है। इसके एग्जांपल आप प्लांटी और एनिमेलिया जानते हैं, अगर अभी हम अगले चैप्टर में विटाकर फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहां पांच अलग अलग किंगडम मिलेंगे आपको, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो वो सारे किंगडम है। मतलब आप समझ सकते हैं कि लार्जेस्ट जो हमारा कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में वो किंगडम ही है। ठीक है, इसको नोट डाउन आप लोग कर लें, फिर आगे देख। सो फ्रेंड्स, ये आपकी बुक में दिए हुए कुछ कॉमन नेम और उनके बायोलॉजिकल नेम्स दिए हैं, और साथ में टैक्सोनॉमिक हायरार्की दिया हुआ, उनकी कैटेगरी कौन कौन सी है उस अकॉर्डिंग, तो बस उनको फॉलो कर रहे हैं। कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, सारे तो नहीं, लेकिन कुछ के आपको क्लासेस याद होने चाहिए, कुछ के फैमिली याद होने चाहिए, तो हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले कॉमन नेम ह्यूमन, आप सभी जानते हैं ह्यूमन का जो हमारा जूलॉजिकल नेम है वो होमो सेपियंस है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा जीनस नेम आता है होमो, स्पेसिफिक एपिथेट सेपियंस आता है। जो हमारी फैमिली है वो होमिनिडी है, होमिनिडी फैमिली है, ऑर्डर प्राइमेटा। ध्यान रखें इस ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर न केवल हम आते हैं बल्कि मंकीज आते हैं और एप्स भी आते हैं। तो ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमेलिया है, और फाइलम हमारा कॉर्डेटा है, और किंगडम एनिमेलिया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो हाउस फ्लाई है, जो कॉमन हाउस फ्लाई आप जानते हैं मक्खी। हाउस फ्लाई इसका जूलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, जिसका जीनस नाम ही बता रहा है मस्का है, और फैमिली इसकी मसाइडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम या डिवीजन आर्थ्रोपोडा, और किंगडम एनिमेलिया। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसका एक तो बायोलॉजिकल नेम मतलब जूलॉजिकल नेम आपको ये पता होना चाहिए, दूसरा ऑर्डर डिप्टेरा का मेंबर है, क्लास इंसेक्टा ध्यान रखें, क्लास इंसेक्टा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसेक्टा के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले स्पीसीज वर्ल्ड में इंसेक्टा ही है। मतलब अगर हम कहें कि 11 लाख अगर 10 से 11 लाख के करीब एनिमल स्पीसीज हैं, तो उसमें से 8 लाख से 8.5 लाख के आसपास इंसेक्ट की स्पीसीज आएंगी। तो इंसेक्टा है, और फिर आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है, किंगडम एनिमेलिया। अगला है मैंगो, जिसको डिस्क्राइब लिनियस साहब ने किया था, मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो मैंगीफेरा इंडिका इसका जीनस मैंगीफेरा ही है, फैमिली इसकी एनाकार्डियेसी है, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल मेंशन करने के लिए मेंशन किया एनाकार्डियेसी है, ऑर्डर भी याद रखने की जरूरत नहीं, सेपिनडेल्स है, ये डाइकॉट है तो डाइकॉटिलडोनी, और एंजियोस्पर्म का मेंबर है किंगडम प्लांटी का। इसके बाद वीट,
वीट फैमिली ग्रैमिनी का मेंबर है, वीट का नाम है ट्रिटिकम एस्टिम, वीट है, राइस है, मतलब जो भी आप सीरियल्स खाते हैं, जो भी मिलेट्स खाते हैं, वो आपको ग्रैमिनी के मेंबर, ग्रैमिनी का मेंबर्स हैं। और ग्रैमिनी का नया नाम है पोएसी, तो वीट का भी ट्रिटिकम, वीट का बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम है, जिसके जीनस ट्रिटिकम, और इसकी फैमिली पोएसी या ग्रैमिनी, मैंने अभी आपको बताया कि सारे ही सीरियल्स, चाहे वो मैंगो हो, सॉरी माफ कीजिएगा, चाहे वो वीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे फिर मेज हो, फिर मिलेट्स में ज्वार बाजरा आ गए, ये सारे के सारे पोएसी या ग्रैमिनी में आते हैं। ऑर्डर पोएल्स याद रखने की जरूरत नहीं, ये मोनोकॉट है, ग्रैमिनी मोनोकॉट है, और डिवीजन एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन है, और किंगडम एनी प्लांटी। इसके बाद रोज, जो कॉमन रोज आप गुलाब जानते हैं, रोजा गैलिका, हालांकि इसकी अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग वैरायटीज हैं, लेकिन जो कॉमन यूरोपियन वैरायटी है उन सब के बात करें तो रोजा इसकी जीनस है, फैमिली रोजेसी, ऑर्डर रोजेल्स, क्योंकि इन सभी का आप देख रहे होंगे प्लांट्स में ए एल ई एस लगा है, क्योंकि इनका सफिक्स एल्स है, जबकि फैमिली में ए सी ई ए ई है, ए सी ई ए ई क्योंकि इनका सफिक्स ए सी ई ए ई है, अगर आपको फैमिली के सफिक्स याद हो तो। और क्लास डाइकॉट है, फाइलम एंजियोस्पर्म, और किंगडम प्लांटी है। तो ये कुछ नाम आपकी बुक में दिए हुए थे जो बताना जरूरी था, जिसको हमने प्रोजेक्ट करके यहाँ पर दिखाया है आपकी सुविधा के लिए। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। तो फ्रेंड्स, अब क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स की बात कर लेते हैं जरा। बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं शुरुआत में, आर्टिफिशियल सिस्टम, फिर नेचुरल सिस्टम, फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए हैं, एक एक करके देखते हैं जैसे जैसे हिस्ट्री में आते गए। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन शुरुआत में क्लासिफाई करने का था साइंटिस्ट का, वो बिल्कुल एक आर्बिट्ररी सिस्टम था, जो सुपरफिशियल, कुछ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को देख के डिसाइड किया जाता था कि कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाए। तो शुरुआत के जो भी फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ किया, चूँकि ये आर्बिट, मतलब किसी केवल सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस था, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इट इज़ बेस्ड ऑन वन और फ्यू सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ध्यान रखें, एक या एक से ज़्यादा सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस है। ये इस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे। ये एक आर्बिट्ररी सिस्टम था, और जो क्लासिफिकेशन शुरुआत के जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने ऐसे ही क्लासिफाई किया, जैसे कि एरिस्टोटल थे, प्लिनी थे, थियोफ्रेस्टस थे, ये सभी इन्होंने ऐसे ही क्लासिफाई किया। और लीनियस तक भी, लीनियस भी, उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आर्बिट्ररी ही माना जाएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही माना जाएगा, ऑल्दो उनका इनसे एडवांस था। जैसे एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, रेड ब्लड की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस पे एनिमल को क्लासिफाई किया एनिमा और इनिमा में, एनिमा एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड एंड इनिमा एनिमल्स विद रेड ब्लड। और फिर इनिमा को क्लासिफाई किया उन्होंने, जो रेड ब्लड वाले थे, ऑफ कोर्स अब उनको आज हम समझते हैं कि वर्टिब्रेट उन कह रहे होंगे, उनको फिर क्लासिफाई उन्होंने किया ओवी पैरा और वीवी पैरा में। तो ये एक बहुत ही सुपरफिशियल टाइप का था क्लासिफिकेशन, तो एरिस्टोटल का था। लेकिन लीनियस का, लीनियस जैसे अब आगे बढ़ते हैं, लीनियस क्लासिफाई करते हैं, तो लीनियस कुछ कैरेक्टर्स और एडवांस करते हैं, प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, स्टैमिन के कैरेक्टर्स लेते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी केवल कुछ ही स्टैमिन के कैरेक्टर और कुछ मॉर्फोलॉजिकल सुपरफिशियल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन उनका जो था माना जाएगा आर्टिफिशियल ही। तो ये इसमें लीनियस है, लीनियस का क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन आ चुका है कि लीनियस का क्लासिफिकेशन स्टैमिन कैरेक्टर पर बेस्ड था, स्टैमिन के कैरेक्टर पे बेस था। और इन्होंने, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आया है, प्लांट किंगडम को, प्लांट्स को 24 ग्रुप्स में उन्होंने कैटेगराइज किया, 24 ग्रुप्स में डिवाइड किया लीनियस आपने। इसके बाद दूसरे नंबर का क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नाम ही बता रहा कि प्लांट्स के नेचुरल एफिनिटीज में, नेचुरल एफिनिटीज बेस्ड ऑन देयर होमोलॉजी, कैसे होमोलॉगी प्लांट्स में आ रही है, नेचुरल एफिनिटीज को जो उनमें आपसी जुड़ाव है, वो उन टेंडेंसीज को, उन आपसी जुड़ाव को देखते हुए कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये नेचुरल सिस्टम काफ़ी अच्छा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है, ऑल्दो बेस्ट तो नहीं कहा जाएगा,
बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं कहेगा जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द हर्बेरिया इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं इंडिया में, क्योंकि ये सारी नेचुरल सिमिलरिटीज को ध्यान रखते हुए बनाया गया है और बहुत ही बढ़िया है। हायर प्लांट्स के लिए बेंथम एंड हुकर ने डेवलप किया था, और हायर प्लांट्स के लिए बेंथम एंड हुकर ने जो अपनी बुक दी थी उसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। ध्यान रखें, जेनेरा प्लांटेरम ये लीनियस की बुक का भी नाम, लीनियस ने जो बुक लिखी थी, अलग अलग लीनियस उनका भी है जेनेरा प्लांटेरम। तो क्वेश्चन के आंसर देते हुए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि जेनेरा प्लांटेरम किसकी, कहां पर कौन सी बात हो रही है। यहां बेंथम एंड हुगर की बुक का नाम जेनेरा प्लांटेरम है, जिन्होंने जिसमें उन्होंने हायर प्लांट्स को डिवाइड या क्लासिफाई किया, और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, और भारत के ज्यादातर हर्बेरिया इसी को फॉलो करते हैं बेंथम एंड हुगर के। तो बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है नीट में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे बेंथम एंड हुगर क्लासिफिकेशन सिस्टम और बुक का नाम भी इनके याद रखेंगे। इसके बाद अगला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये और भी अच्छा है बिकॉज ये केवल नेचुरल एफिनिटीज को ही ये नहीं देखता, सिमिलरिटीज को ही नहीं देखता, बल्कि इवोल्यूशनरी टेंडेंसी को भी देखता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखता है कि कौन ग्रुप किससे इवॉल्व हो रहा है। तो ये एक काफी साइंटिफिक इसको माना जाएगा क्लासिफिकेशन सिस्टम, इट इज बेस्ड ऑन। तो इसमें जो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, पहली ये है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लैडिस्टिक्स कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्लैडिस्टिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक फैमिली ट्री बनाई जाती है जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बनाने के लिए जो ध्यान रखते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जैसे बनती है तो उसमें जो फैमिली ट्री बनती है, फैमिली ट्री को क्लैडोग्राम कहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग इसको क्लैडिस्टिक्स कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म में ये बेस, इस पे बेस है, और फैमिली ट्री को क्लैडोग्राम कहते हैं। इस सिस्टम को एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नाम है इनका, एंगलर एंड प्रेंटल, और जिस बुक में दिया था उस बुक का नाम है डाई नेचर लाइक एन फ्लैंजियन फैमिलियन। थोड़ा सा चूंकि ये नाम अजीबो गरीब आपको लगेगा, लैटिन जैसा आपको लगेगा, तो आप इसको इसका एक दो बार प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करें, डाई नेचर लाइकेन फ्लैंजेन, पीएफ है फ्लैंजेन फैमिलियन, ये एंगलर एंड प्रिंटल की बुक है। और आपको दो तीन क्वेश्चन इसमें नीट में याद रखने पड़ेंगे, पहली बात फाइलोजेनेटिक को सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लैडिस्टिक्स कहते हैं, दूसरी बात इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग प्लांट्स, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइलोजेनेटिक सिस्टम को ध्यान रखता है, तीसरी बात इसमें जो फैमिली ट्री है इसको क्लैडोग्राम कहते हैं, चौथी बात इसको डेवलप किया था एंगलर एंड प्रेंटल ने अपनी बुक में डाई नेचर लाइक इन फ्लैंजियन फैमिलियन में, और इसी को इसको जॉन हचिंसन तक जान जैसे टैक्सोनॉमिस्ट भी इसको फॉलो करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है तख्त जान का नाम, क्योंकि ये नाम से ज्यादा उनका एक स्टेटमेंट है जो बहुत ज्यादा नीट में पूछा जाता है, वो स्टेटमेंट है टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज बोन विदाउट फ्लैश। इसका मतलब है जैसे हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर मांस ना हो तो वो लिविंग नहीं हो सकता, नहीं, वैसे ही अगर टैक्सोनॉमी हम करें, मतलब क्लासिफाई करें, कैटेगराइज करें, लेकिन हम उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ध्यान में रखें, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन विदाउट फ्लैश। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट इनका तख्तजान का है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेंगे, ये आता है, याद रखेंगे। इसके बाद जो चौथा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो फाइनल हमें अभी ध्यान रखना है वो है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसको हम फेनेटिक्स कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम ही केवल आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फिर फेनेटिक्स, PHENETICS फेनेटिक्स, और इसको डेवलप किया था, इसको सबसे पहले दिया था एडनसन साहब ने, तो इनको इसको एडनसोनियन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ADANSONIAN एडनसोनियन क्लासिफिकेशन। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नाम ही बता रहा कि ये क्या करता होगा, तो ये कैरेक्टर्स को जो भी जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, जो भी कैरेक्टर्स, जो भी हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं, किसी को कम या ज्यादा ये नहीं देखता, सभी को एक स्पेसिफिक नंबर देता है, और उन नंबरों को जोड़ते जोड़ते वो उस तरीके से पहुंचता है कि कौन ग्रुप सारे न्यूमेरिकल, मतलब एक न्यूमेरिकल डाटा कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाया जाता है, इन कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में हर कैरेक्टर के नंबर दिए जाते हैं, और फिर कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम उन न्यूमेरिकल
मेथड से इवेलुएट करता है कि किसके भी उनके बीच कितनी सिमिलरिटी है, कितना डिसिमिलरिटी है, और फिर उनको क्लासिफाई करता है। और ये सारी कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देता है, किसी को कब ज्यादा नहीं। जैसे कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फ्लोरल कैरेक्टर को वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर तरजीह दी गई थी। फ्लोरल कैरेक्टर को इसलिए दी गई थी कि फ्लोरल कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत वेजिटेटिव कैरेक्टर के, इसलिए फ्लोरल कैरेक्टर को ज्यादा दी। लेकिन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, सारे कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी जाती है। तो ये सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इससे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो जरा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि वन और फ्यू सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। शुरुआत के सारे ही फिलोसफर्स इसी को फॉलो करते थे, चाहे एरिस्टोटल हो, चाहे प्लिनी हो, चाहे थियोफ्रेस्टस हो, और लीनियस तक का क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाएगा। हालांकि लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टामिन के कैरेक्टर पर बेस्ड था। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट के नेचुरल एफिनिटीज पे डिपेंड करता है। इसको सबसे पहले दिया था बेंथम एंड हुकर ने दिया था अपने बुक में, जेनरा प्लांटेरम उनकी बुक का नाम था, उसमें दिया था। और भारत के ज्यादातर हर्बेरिया इसी सिस्टम को, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करते हैं। अगला है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या क्लैडिस्टिक्स। तो इसमें जो तीन चार क्वेश्चन है ये हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम को सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको क्लैडिस्टिक कहते हैं क्योंकि इसमें एक फैमिली ट्री बनती है, उसको क्लैडोग्राम कहते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज ऑफ प्लांट को ध्यान रखा जाता है, उनकी फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री क्या है उसको ध्यान रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नीड का क्वेश्चन, इसको दिया था एंगलर एंड प्रेंटल ने अपनी बुक डाई नेचर लाइकेन फ्लैंजेन फेमिलियन में दिया था। और इसके जो और भी सपोर्टर्स थे, फॉलोअर्स थे, उनमें जॉन हचिसन इंपॉर्टेंट है, तख्तजान इंपॉर्टेंट है। और तख्तजान का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहते हैं कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज जस्ट लाइक बोन विदाउट फ्लैश। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। लास्ट में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, जिसको हम फेनेटिक्स कहते हैं, या फिर इसको एडनसोनियन क्लासिफिकेशन उसके देने वाले के नाम पे कहते हैं। और ये न्यूमेरिकल मेथड को यूज करता है फॉर इवेलुएटिंग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, और ये सारे ही कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देता है। तो ये सारी चीजें देख लेंगे हम।